Hey lovely people, good morning. This is 16th February 2024. ये फरवरी बहुत स्पेशल है क्योंकि ये है लीप ईयर और अभी हम अपने रास्ते में पलानी वाटरफॉल के जो कि पतरातू में है। रामगढ़ से 30 किलोमीटर दूर है, रांची से 50 किलोमीटर दूर है। ये मालगाड़ी मेरे साथ साथ चल रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से है पलानी झरना 1.5 किलोमीटर। ये क्या लगा है गांव, यही सब देखे तो घबराइए मत, आप सही रास्ते पे हैं। जंगल ही जंगल है, कच्चा रोड है। व्यूज़ तो यहाँ हर जगह का अच्छा है, पर ये पहला झरना है जिसका रास्ता मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली और झरनों से ख़राब मिला है। ये देखिए यहाँ का बट रास्ता काफी खराब है, काफी कच्चा है। एंड ये स्टील एरिया लग रहा है देख करके, स्टील इन द सेंस, सॉरी नॉट स्टील, इंडस्ट्री। मुझे एक सीमेंट प्लांट दिखा था, अब ये वापस एक प्लांट दिख रहा है काफी। सो पतरातू इज़ बेसिकली हैज़ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। ये है पलानी गांव, यहाँ बस बिल्कुल हम लोग जंगल के बीचों बीच होकर के जा रहे हैं इस झरने पे। जस्ट लुक एट दिस प्लेस, केवल एक गाड़ी खड़ी है यहाँ और मैं आई हूँ। ऑफ कोर्स केवल यहाँ, चारों तरफ जाएं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ सब लोग ध्यान से देख, टिकट लेना पड़ता है क्या? कितने का टिकट है? 40 रुपये का। छुट्टा रखे हैं क्या आप? कोई आया है यहाँ पे? हाँ। कौन? वो शूटिंग वाला, शादी ब्याह वाला है। अच्छा शूटिंग, शादी ब्याह। अच्छा मेरे को लगा पिक्चर का शूटिंग हो रहा है। ना, अच्छा पार्टी वार्टी में देखा था ना। अच्छा शादी वादी का शूटिंग चल रहा है, पिक्चर का नहीं। बाथरूम जाना है पर कह रहे हैं कि बाथरूम खराब कर दिया है, तो ठीक कराओ भाई, ठीक कराओ। कैसे घूमने आएंगे इतनी सुंदर जगह? तो बहुत शांति है, जगह तो बहुत शांति नहीं है, यहाँ पर बहुत शांति है, इस जगह में बहुत शांति है। भाई बिल्कुल गांव के बीच में एक बहुत सुंदर सी जगह है। झरना तो मुझे देखना है कहाँ है, दिख रहा, दिख भी रहा है शायद, बट अदरवाइज भी टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को शूट नहीं कर रहे। झरना किधर है? अच्छा आगे, थैंक यू। यहाँ मशरूम जैसा सिटिंग एरियाज बना हुआ है, लोग यहाँ शांति, अकेलापन, और शायद डेटिंग के लिए भी आते हैं
इसलिए चाहते नहीं हैं कि हम लोग उनको ऑफ कोर्स उनकी प्राइवेसी ख़राब करें। इसी बाथरूम की बात कर रहे थे, कह रहे थे ख़राब है, पर अब मजबूरी का नाम कुछ भी नहीं होता है तो ऑप्शन नहीं है। सो यही सब मामले में इन सब जगह का ड्रॉबैक हो जाता है, वॉशरूम नहीं मेंटेन रखेंगे। को बनाया भी काफ़ी अच्छे तरीके से गया है, बट मेंटेन भी तो रखना पड़ता है। कहीं से तो झरने की आवाज़ सुनाई पड़ रही, वो देखिए कितना आर्टिस्टिक तरीके से वो लोग लहरा वहरा के ले रहे हैं शॉट्स। ये प्री वेडिंग शूट चल रहा है, द लव बर्ड्स हु आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर द एंटायर लाइफ। यहाँ पूरा रंग दे तू मोहे गेरवा वाला फील है। झरना शायद यही है, ये माइल्डेस्ट वाटरफॉल है विच आई हैव सीन। सो मैं इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ, इनके बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए ये शूट करवा रहे हैं। इट्स बेटर कि आई शुड टेक द फोटो ऑफ वाटरफॉल एंड गो फ्रॉम हियर। सो ये पुलानी वाटरफॉल है, तो सैड पार्ट अबाउट दीज प्लेसेस आर लोग यहाँ घूमने आते हैं और सारा कचरा फेंक के जाते हैं। वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के, कचरा कौन उठाएगा? मतलब एक अच्छी जगह को बिगाड़ने में व्हाट इज़ द फन, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये मेरे पीछे चल रही है वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, और ये बह रहा है झरना। द मोस्ट अलार्मिंग थिंग हियर इज बिटवीन द ब्यूटिफुल लोकेशन द गार्बेज बीइंग थ्रोन इन, really sad। आप ये सब चीज़ कर सकते हो, यहाँ आओ कचरा फेंको तो उठाओ और अपने साथ ले जाओ। ये मत करो यार, ये मत करो, तुम्हारे स्टेट में टूरिज्म कैसे होगा? तुम्हारे स्टेट में घंटों में अकेली बैठ सकती हो, बट सी द काइंड ऑफ वाटर दैट इज़ फ्लोइंग, इट इज़ सो प्योर, इट इज़ सो क्लीन। मत डंप करो यार, मत डंप। अगर आप लोग किसी और स्टेट से पतरातू आ रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं और दो तीन साइट सीइंग बोटिंग के लोकेशंस हैं। आप वहाँ आराम से रुक करके ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीफुल प्लेस। बोटिंग ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं, आपको पता तो डैम में मिलेंगी, वहाँ स्पीड बोट्स भी हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल टूरिस्ट लोकेशन। मेरे व्लॉग्स में काफ़ी पहले मैंने वो जगह कवर की थी। तो अभी तक मैं कहीं का झरना भी टच नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे को
वो फील लेना है जहाँ मैं यहाँ एटलीस्ट झरना टच कर सकूँ। यहाँ चट्टान मुझे थोड़ी इजी लग रही है। सॉइल डेफिनेटली गो एंड टच द वाटर। कहाँ से जाऊँ, मुझे बस एक बार टच करना है। टच तो किया है, थोड़ा सा गिर ना जाऊँ, मुझे तो डर लगता रहता है। क्या किया है, सक्सेसफुल। देखो देखो मेरे हाथ में आ रहा है इस बार। तो आ गई मैं उस उधर तक गई थी, इसमें उतना पता नहीं चल रहा होगा, बट मैं काफ़ी दूर गई थी एंड ये मेरे लिए अचीवमेंट है क्योंकि मैं आज तक झरने के इतने पास नहीं जा सकी हूँ। ये तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ झरने का फ्लो कर रहा है। तो मुझे काफ़ी देर यहाँ अकेले रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब काफ़ी लोग आने लगे हैं तो मैं कट लेती हूँ। यहाँ सबसे कम चलना पड़ा, हार्डली एनी स्टेयर्स, हार्डली एनी वॉकिंग। इट इज़ नॉट एज माइटी एज व्हाट यू से हुनरू फॉल और दशम फॉल। लोकेशन इज द बेस्ट, द मोस्ट गॉर्जियस पार्ट ऑफ दिस वाटरफॉल, पलानी वाटरफॉल इज़ द लोकेशन। वेल यू कम ऑल्सो ना, सड़क थोड़ी सी ख़राब ज़रूर है बट बहुत सुंदर है यार, जगह बहुत सुंदर है। द विलेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड पलानी, इट्स इन पतरातू, 30 kilometers फ्रॉम रामगढ़, 50 kilometers फ्रॉम रांची। और क्या जानना है आपको, हरकंडा देखो भाई। वो लोग मुझसे दुखी होके झरने के पास से भाग गए थे। प्री वेडिंग शूट वहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, आई वोंट डिस्टर्ब देम। ये देखो मेरे पीछे चल रही है शूटिंग, प्री वेडिंग। मैं इतनी एक्साइटेड क्यों, इसको बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं यहाँ लौटते समय इसलिए रुक गई थी, मतलब वहाँ से हार्डली एक किलोमीटर होगा, क्योंकि मैंने ये अपने लाइफ में पहली बार देखा है। आप लोगों ने देखा होगा, मे बी आपको फुलिश लगे, मुझे नहीं पता। यहाँ ईंट बन रही है, मैंने आज तक ईंट बनता नहीं देखा था। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ हर तरह की चीज़ें बनती हैं, बट मेरे लिए एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार देखा है ईंट बनते हुए। और के सेटअप में बनती है, पता नहीं किसकी है ये जगह, अंदर बन रही है, अंदर से धुआं निकल रहा है। यहाँ ना कहीं सीमेंट का प्लांट है, कहीं ईंट बनने का प्लांट है। वो देखिए दूर पे आपको एक और दिखेगा, इफ आई कैन शो यू। वो देखिए वो नीले कलर का है ना, वो भी कोई प्लांट है, वो सीमेंट का हो सकता है, ईंट का हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट मेरे लिए एक्साइटिंग है क्योंकि आई नेवर सीन अ फैक्ट्री विच मेक्स थिंग्स यूज फॉर बिल्डिंग वर्क। मेरे पापा एक बिल्डर थे बट स्टिल आई हैव नेवर सीन, वी जस्ट गेट द रॉ मटीरियल एंड मेक बिल्डिंग्स। ये एक और वैसा प्लांट दिख रहा है, वहाँ बहुत सारे प्लांट्स दिख रहे हैं।